एवरीवन फ्रेंड्स, मेरा नाम है शालिनी। आज मैं आप लोगों के लिए ठंडाई की रेसिपी लेके आई हूँ। इस ठंडाई की रेसिपी की खासियत क्या है, इसके पेस्ट को आप बना के महीने भर के लिए फ्रीजर में स्टोर करके रख सकते हैं। तब भी आपके घर में कोई गेस्ट आए तो आप इसको सिर्फ दूध में घोल के सिर्फ 2 मिनट में बना के पिला सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है प्लीज 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए ठंडाई बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमने ये बादाम लिए हैं, 10 से 12 बादाम ले लिए हैं। ये हमने पिस्ता लिए हैं बिल्कुल छील कर, ये कम से कम 15-20 पिस्ता हैं। ये हमने खसखस लिया है, 1-2 स्पून काली मिर्च, ये हमारी साबुत सौंफ है, ये हमारे खरबूजे की मिंगी है अपनी की खरबूजे के बीच, और ये हमारे है छोटी इलायची और केसर पत्ती। अब हम क्या करते हैं, केसर पत्ती को भी साइड करते हैं और एक हम एक छोटा बाउल लेते हैं। इसमें हम ये सारी चीज़ें, सारे ड्राई फ्रूट्स वगैरह सब कुछ मिक्स करते हुए एक बाउल में निकाल लेते हैं सब कुछ। ये देखिए, हमने ये सारी चीज़ें ऐसे इस तरीके से एक बाउल में निकाल ली हैं। अब हम क्या करेंगे, इसमें जैसे कि जो हमने केसर पत्ती ली है वो उसके भी 4-5 पत्तियाँ इसमें डाल देंगे। इससे हमारा कलर जो है वो बहुत अच्छा आएगा। इस ठंडाई पेस्ट को आप क्या है, एक बार पहले बना के रख दीजिए, फिर झटपट आपके घर में कोई भी मेहमान आते हैं या फिर कुछ भी आते कोई भी आता है तो आप झटपट उन्हें बना के सर्व कर सकती हैं। होली वाले दिन आपको किचन में नहीं लगना पड़ेगा कि ठंडाई बनानी है, आप फ्री होकर रह सकती हैं, होली इंजॉय कर सकते हैं। तो इस ठंडाई पेस्ट को आप घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब हम क्या करेंगे, इस बाउल में थोड़ा सा पानी डालेंगे। जैसे कि हमने पानी डाल दिया, इतना पानी डालना है कि सारे हमारा हल्का सा डिप सा हो जाए, भीगने लग जाए, और इसे 1 से 2 घंटे के लिए साइड से हम ढक कर रख देते हैं ताकि ये हमारा बिल्कुल सब सोख ले, एकदम अच्छे से फूल के बिल्कुल अच्छे से मिक्स करते हुए हम इसे रख देते हैं ताकि ये सब सोख ले और अच्छी तरीके से हमारे ये जो भी चीज़ें फूलने वाली होती हैं या फिर अच्छे से सेट होकर आए। तो हम 2 घंटे के लिए ढक कर साइड से रख देते हैं। 2 घंटे बाद हम ये देखेंगे हमारा ये बिल्कुल सेट हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हमें पीसना होता है। एक बार मिक्स करते हुए अच्छी तरीके से इसे कलर फ्लेवर वगैरह जब इसमें आ जाए तो हमें इसे इसको पीसना होता है सारे इंग्रेडिएंट्स को लेके। तो हमने ये मिक्सी का जार लिया है, इसमें हम ये सारे इंग्रेडिएंट निकाल लेते हैं और इसको पीस लेते हैं। पानी के सहित पीसना होता है क्योंकि पानी में भी इसका जो है बहुत सारे मसाले इसमें आ गए होंगे जो इसका है कलर वगैरह बहुत अच्छे से। तो इसको पीस कर हम एक तैयार पेस्ट बनाकर तैयार कर लेते हैं। अगर आपको ये ठंडाई पेस्ट पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये हमने देखिए इस तरीके का ठंडाई पेस्ट बिल्कुल बना के तैयार कर दिया है। अब इसको आप स्टोर करके रख सकते हैं, फ्रिज में स्टोर करके रख दीजिए, 15-20 दिन तक ख़राब नहीं होगा। और जब भी कोई गेस्ट आए तो झटपट आप अपनी ठंडाई तैयार कर सकते हैं। जैसे कि हम ये 2 ग्लास ठंडाई तैयार कर रहे हैं तो एक बड़े मिक्सिंग बाउल में हमने ये 2 ग्लास दूध ले लिया है, इसमें हम इस ठंडाई पेस्ट को डालते हैं। जैसे कि 2 ग्लास दूध लिया था तो हम 2 स्पून ही ठंडाई पेस्ट, यानी कि 1 ग्लास दूध में 1 स्पून ठंडाई पेस्ट बहुत रहता है, और अगर आपको कम लगता है तो आप थोड़ा सा और ऐड कर सकते हैं। और इस ठंडाई पेस्ट को इसमें खूब अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेते हैं। ये जैसे कि हमारे बहुत अच्छे से मिक्स हो गए, अभी हमने इसमें शक्कर नहीं डाली थी ना पेस्ट में डाली थी, तो इसमें ही हम पिसी हुई शक्कर डाल देते हैं ताकि हमें पिसी हुई शक्कर को मिक्स करने में भी टाइम ना लगे। और शक्कर तो आप अपने पसंद से स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। हमने इसे 3 स्पून शक्कर इसमें डाल दी है और इसे खूब अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं, बिल्कुल अच्छे से सारे इंग्रेडिएंट्स दूध में हमारे अच्छे से मिक्स हो जाए। और आप चाहें तो इस मिश्रण को 2 मिनट के लिए साइड से उठा के रख भी सकते हैं ताकि हमारे आपस में अच्छे से सेट हो जाए। और इसमें हम 5 से 6 बर्फ के आइस क्यूब्स यानी कि बर्फ के पीस भी डाल देते हैं ताकि एकदम चील्ड हमारी ये ठंडाई बन के आए। और हमने दूध भी एकदम चील्ड लिया था तभी हमारी ये ठंडाई का फ्लेवर जो है वो और अच्छे से निकल के आता है। अब हम एक कोई भी कॉटन का कपड़ा लेते हैं और एक दूसरा बाउल लेते हैं, उसमें इस ठंडाई को छान लेते हैं। ठंडाई को छानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जैसे कि हमने ये सारा पेस्ट जो है हमने छान के नहीं बनाया था तो उसमें हो सकता है कि मसाले वगैरह थोड़े मुँह में आए, थोड़ी से कुछ इंग्रेडिएंट ऐसे रह गए जो पिसा ना हो, तो इसलिए अगर आप वो चीज़ अवॉइड करना चाहते हैं तो इसलिए हम ठंडाई को अच्छी तरीके से छान लेते हैं बिल्कुल अच्छे से। और इसका जो बाकी का बचा हुआ मिश्रण होता है उसे आप चाहें तो दोबारा से हल्का सा दूध में मिक्स करके रख सकते हैं, उसका फ्लेवर सारा निकल के आ जाएगा। और इस तरीके से हमारी ये ठंडाई बिल्कुल तैयार हो जाती है। इसको अब हम ग्लास में डालते हैं और इसको हम ड्राई फ्रूट्स यानी कि बादाम पिस्ता से गार्निश करते हैं और फिर सर्व करते हैं। है ना अनोखा ठंडाई पेस्ट कि जो झटपट बनकर तैयार भी हो जाता है और अब आपको किचन में लगने की ज़रूरत भी नहीं है, तो इस होली आप इंजॉय कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये कैसी लगी ठंडाई, पसंद आई हो
तो कमेंट्स में बताएं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के लिए इस बटन को प्रेस करें। धन्यवाद।